अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं तामिल इरशाद और मैं हूं साहिल नसीर वाली। नाज़रीन, आपको बता दें, असेंबली इलेक्शन की सरगर्मियां जम्मू कश्मीर में उरूज पर है। हर एक रीजनल पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने वर्कर से मीट करती है। नाज़रीन, आपको बता दें, इस वक्त हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए तैयार है अमित कुफूर, जो कि जेडीयू के स्पोक्स पर्सन है और पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर भी है और जेडीयू पार्टी के इलेक्शन इंचार्ज भी है। इनकी पार्टी भी जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस लड़ रही है। जब हम बात करें रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज की या नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, पीडीपी की बात करें, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की बात करें, तो आप जेके यूटी में अपनी पार्टी को कहां पर देखते हैं? देखो, हमारी पार्टी जो है वो हमारे जो पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने हमेशा से पहले कश्मीर के मसले मसाइलों के लिए काम किया और हमेशा वो कश्मीर के लिए काम करते रहे हैं। उन्होंने कभी भी किसी चीज़ को लेके अपने फायदे और मुफाद के लिए काम नहीं किया। और आज पहली बार जो हम यहाँ पे जो इस एरिया के अंदर मतलब जो इलेक्शन वगैरह के लिए कम्पेनिंग कर रहे हैं, जो हमारी उम्मीद है कि कश्मीर के जो मुद्दे हैं उनको हल किया जाए, उन मसलों को हल किया जाए। और जो मसले आज तक कश्मीर से उठते थे और कश्मीर के अंदर ही रह के ख़त्म हो जाते थे, हम चाहते थे कि इस चीज़ को जो है होम मिनिस्ट्री तक भी पहुंचाया जाए। और हमने ऑलरेडी पहले भी होम मिनिस्ट्री में तक यहाँ के कुछ अपने बच्चों की रिहाई के लिए जो है कई सारे लीडर्स की बात करें, नौजवानों की बात करें, जेलों में इस वक्त बंद है, तो आपकी पार्टी का क्या मंशूर है उनको ले? हमारे पार्टी का सबसे पहला मेन मोटिव, और मैं आपको बताऊँ, ये इलेक्शन की तो सिस्टम अभी चला है, इलेक्शन से पहले भी हमारे जो पार्टी प्रेसिडेंट हैं उन्होंने सबसे पहली चीज़ यही की थी कि जो भी अपना यहाँ के जो यूथ है, जो उनको जो है अपने रिहा किया जाए। और उनके लिए होम मिनिस्ट्री के अंदर उन्होंने एक लिस्ट भी भेजी थी, होम मिनिस्ट्री के अंदर, कि ताकि उन बच्चों को जो है रिहा किया जाए। और ये नहीं कि इलेक्शन है तो तभी हो रहे हैं, इलेक्शन से पहले ही उन्होंने वो लिस्ट वगैरह भेज दी थी। सर, आप क्या नई बात लोगों के सामने रखते हैं जिससे लोग आपकी तरफ आएंगे और आपकी पार्टी के हक में वोट डालेंगे? देखो, आज से पहले अपने कश्मीर के अंदर सिर्फ और जो सरकारों ने, पीडीपी होगी, एनसी होगी, कांग्रेस होगी, और जो भी सरकारें थी आजकल, इन सरकारों ने किया क्या है? सिर्फ यहाँ के मुद्दे, यहाँ पे लोगों के सामने इनको बेवकूफ बनाया जाता था और यहाँ पे जाके सेंटर के अंदर कोई भी बात नहीं रखी जाती थी। सेंटर के अंदर जाके अपनी कहानियाँ सुनाई जाती थी और अपने अपने फायदे देखे जाते थे, और यहाँ पे आज तक यूथ के लिए कभी कुछ नहीं किया। तो हमारी पार्टी जो है वो यूथ के लिए भी कर रही है। हमारे मैनिफेस्टो के अंदर भी यही चीज़ है कि हम जो बेरोजगार जो अपने ग्रेजुएट होंगे, दूसरे होंगे, उनको हम कुछ जो है मंथली वाइज। सर, लास्ट पर, जो आम लोग हैं वो इस चीज से तंग आ गए हैं, महंगाई काफी ज्यादा है, उस चीज को लेकर महंगाई, जब आम लोग उनकी बात करते हैं, ग्राउंड जीरो पर हम जाते हैं, लोग उस चीज से लेकर काफी ज्यादा तंग आ गए। आने वाले टाइम में जैसे ही इलेक्शन हो जाएंगे और हमारे पार्टी की तरफ से यहाँ पे जो भी, जब हम लोग पावर में आएंगे तो आपको खुद दिखेगा, आने वाले टाइम में बहुत अच्छा सिस्टम रहेगा, बहुत खुशहाली रहेगी। और खासकर हमारा मेन जो मकसद है शाहिन साहब का, जो मेरे पार्टी प्रेसिडेंट, जम्मू कश्मीर को एक खुशहाल स्टेट बनाना है, ये हमारा मेन। लास्ट पर आपकी लोगों के लिए क्या मैसेज है, क्रेडी बाकुरा कनेक्शन से लोगों के? आप सब लोगों का प्यार हमारे साथ है, आज यहाँ भी देखिए कितना प्यार सबके साथ रहा है, कितनी खुशी रही और कितने आवाम ने हमारा साथ दिया, और हम यही चाहते हैं कि आगे आने वाले टाइम में भी सब अच्छा रहे।